हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। जूरिस्प्रूडेंस जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जो टफ लैंग्वेज में होता है, उसको आसान करना मेरा काम है, मैं आपके लिए कर रहा हूं। उसमें एक चैप्टर है जूरिस्प्रूडेंस में DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारे जूरिस्प्रूडेंस डी फार्मा के सेकेंड ईयर में है और बी फार्मा के फिफ्थ सेमेस्टर में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये रहा इंडेक्स, क्या क्या पढ़ना है हमको आप देखिए। पहले तो हम जानेंगे चैप्टर में कि DPCO किसे कहते हैं, क्या है ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य क्या है। DPCO 2013 के अंतर्गत कौन कौन से नियम निकाले गए हैं, क्या नए संशोधन किए गए हैं, और किसी भी ड्रग का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। दो तरह के फार्मुलेशन होते हैं, एक शेड्यूल फार्मुलेशन होता है, एक नॉन शेड्यूल फार्मुलेशन होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि शेड्यूल फार्मुलेशन और नॉन शेड्यूल फार्मुलेशन में डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। और रिटेल प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम जानेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। सबसे पहले बात कि DPCO क्या है। द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाई द गवर्नमेंट अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विच इस्टेब्लिश टू फिक्स द प्राइस ऑफ सब एसेंशियल बल्क ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशन। समझ आ गया, नहीं समझे होंगे, अब समझा रहा हूँ कि भैया क्या है कि सरकार हर दवा की, एक हमारा एक्ट है जिसको बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत सरकार के पास ये पावर है कि वो हर दवा का एक अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं MRP, ये सरकार डिसाइड कर सकती है, ये उसका पावर है। और इसी को बोलते हैं DPCO, यानी किसी भी ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करना या उसको कंट्रोल करना, ये हमारा DPCO है। ठीक है, और ये कब आया, ये हमारा 1970 में डेवलप हुआ पहली बार, जब इसको सरकार ने इसके बारे में कानून लाया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको समझिए। ऑब्जेक्टिव समझने से पहले, अगर आप मेडिकल स्टोर या दवा के बिजनेस से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको मार्केट की एक बहुत बड़ी काली सच्चाई बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स इसका विरोध करेंगे मेरी बात का, मुझे गालियाँ देंगे कमेंट सेक्शन में जाके, लेकिन मैं सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। आप विश्वास मानिए कि एक जो छोटा सा कंपनी दवा होती है, एग्जांपल दारू, मैंने प्रोडक्शन में भी काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग में मुझे आइडिया है, मैं QC में भी काम कर चुका हूँ, अब टीचिंग कर रहा हूँ। तो उस पर क्या होता है, मान लीजिए कि मैं एक प्रोटीन पाउडर बनाता हूँ, एक प्रोटीन पाउडर का MRP अगर 350 रुपये है, तो आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, खुद बताइए कि वो प्रोटीन पाउडर कितने का होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कितने का पड़ता होगा पूरा एक्चुअल कास्ट, इमेजिन करिए, गेस करिए। 200, 250, कुछ लोग 150 बोल रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, 50 रुपीज़ से भी कम। जी हाँ, विश्वास करेंगे आप, 349 का बिकने वाला प्रोटीन पाउडर हमारे जो हमारे कंपनी से निकलता है वो 50 रुपये से भी कम में निकलता है। तो इतना महंगा कैसे हो जाता है, काला बाजारी समझिए। डॉक्टर्स, जी हाँ डॉक्टर्स, जो MR जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से कहते हैं कि, डॉक्टर्स बोलता है ठीक है, मैं आपकी ये मेडिसिन लिखूँगा, मैं आपकी ये दवा लिखूँगा, ये आपका प्रोटीन पाउडर लिखूँगा, मुझे क्या मिलेगा। तो डॉक्टर MR बोलता है, कंपनी ऑफर देता है कि सर मैं आपको फ्रीज दूंगा, AC दूंगा, TV दूंगा, फॉरेन ट्रिप दूंगा, या मैं हर डिब्बे के पीछे आपको 200 रुपये, 150, 100 रुपये दूंगा। अब ये 100, 150 जो हर डिब्बे के पीछे रेट बढ़ रहा है, वो कंपनी थोड़ी अपनी जेब से देगी, वो कंज्यूमर देने लगता है। और ये दवा ऐसा बिजनेस है, अगर डॉक्टर ने कोई पर्चा में A लिख दिया, तो वो A के अलावा B नहीं ले सकता, या छोटा है बड़ा है भी नहीं ले सकता, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है, उसके लिए इतना भेद होता है। और इसी फेथ का गलत फ़ायदा उठाते हैं डॉक्टर्स और पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो किसी भी ड्रग के रेट को इतना गुना बढ़ा देती हैं ताकि उसमें सारा कमीशन जोड़ सके, डॉक्टर का गिफ्ट, डॉक्टर का खर्चा, दारू का खर्चा, सारी ट्रिप्स, सब कुछ जोड़ सके, ये जोड़ा जाता है। और मुझे एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्शन कंपनी का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर दवाएँ में डॉक्टर अपना कमीशन हटा दें 20 से, तो दवाएँ ऑटोमेटिक आधे रेट में चली जाए, कस्टमर को, गरीबों को बहुत बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो सरकार इस सब को ध्यान देते हुए उसने DPCO लाया। DPCO मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप किसी भी दवा का रेट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सरकार देख रही थी कि काला बाजारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, कस्टमर के लिए जान दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये नियम लाया। तो ऑब्जेक्टिव आप समझ में आ गया होगा DPCO का, कि दवा का रेट को डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्या है कि अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, एक रीजनेबल प्राइस इंश्योर करना, कि जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनका एक मैक्स, भाई ऐसा तो नहीं कि लाइफ सेविंग ड्रग है, कैंसर दवा है, तुम 10,000 कर दो, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 200 रुपये आ रही है, क्योंकि भाई मजबूरी आदमी लेगा ही लेगा, ठीक है, वहाँ कंसेशन करेगा भी नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको उन दवाओं के लिए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन भी डेवलप करना, कि आप सस्ते रेट में दवाओं को उपलब्ध कराएं, ये दो ऑब्जेक्टिव है DPCO का।
ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं डीपीसी 2013 जो आया, इसमें क्या नया था, पुराने वाले से क्या नया था। तो जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 है उसी पे बेस्ड था ये डीपीसी। इसमें क्या करता है कि जो एनपीपीए है इसने 348 एसेंशियल ड्रग के लिए उन्होंने डीपीसीओ ने ड्रग का लिस्ट जारी किया कि ये 348 जो जीवन के लिए आवश्यक दवाएं हैं इनका एक फिक्स रेट ये है, आप इस रेट से ऊपर दवाओं को नहीं बेच सकते, ठीक है। और डीपीसीओ के मेन फीचर क्या थे, इन्होंने 348 एसेंशियल दवाएं और 652 फॉर्मुलेशन ऐसे रखे जो जनरल लाइफ में हम लोग ओटीसी यूज़ करते हैं। तो इस इन्होंने जो लिस्ट निकाला 2013 ने 348 ड्रग एसेंशियल और 652 ड्रग जो हमारे फॉर्मुलेशन थे जनरल फॉर्मुलेशन, इसके लिए इन्होंने लिस्ट निकाला कि आप इससे महंगी दवाएं आप नहीं बेच सकते, ठीक है। द न्यू पॉलिसी यूज़ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, इन्होंने जो मैकेनिज्म था ये मार्केट बेस्ड प्राइसिंग में था, उन्होंने सारी दस कई ऐसा नहीं अपने मन से कर दिया और उन्होंने मार्केट सर्वे किया और बाकी जगहों का रेट लिया, मैन्युफैक्चरिंग का रेट लिया, वो लोग पूरा रेट लेने के बाद ही वो इसका डिसाइड करते हैं कि आप इसकी एमआरपी कितनी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो मार्जिन थे होलसेलर को घटा दिया, भाई पहले मार्जिन बहुत होता था, करीब 40-40% तक मार्जिन होता था, होल रिटेलर को 40%, होलसेलर करीब 28-30%, उस मार्जिन को घटा के उसने 8 और 16 कर दिया, यानी भैया रिटेलर का मार्जिन 16% है और होलसेलर का मार्जिन 8% है, उसको भी उन्होंने घटाया डीपीसीओ ने। उसके बाद उन्होंने दो तरह के दवाओं के लिए डिसाइड किया एमआरपी, एक शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन एक नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। और बल्क ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा शेड्यूल फॉर्मुलेशन का। देखिए जैसे मैंने माना कि कोई दवा है, मैंने माना कि भाई पैरासिटामॉल है, आप 500 mg से ज़्यादा की दवा डोज नहीं बना सकते और 500 mg का जो रेट है वो 25 रुपये है पर पतली पर 10 टेबलेट का मान ले। तो अब जो 500 mg अगर उसने कह दिया, यानी किसी भी ड्रग का अगर उसने डोज डिसाइड कर दिया तो वो शेड्यूल फॉर्मुलेशन। अब हम अगर 500 से कम बनाते हैं, 250 बनाते हैं, 300 बनाते हैं, 100-200 बनाते हैं, तो ये नॉन शेड्यूल में आएगा, यानी कि मैक्स शेड्यूल क्या है जिसका उन्होंने डोज डिसाइड किया है वो शेड्यूल में आते हैं। और अगर उस डोज से अभी उस डोज ज़्यादा तो हम बना ही नहीं सकते, लेकिन उस डोज से हम कम बना सकते। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं आपसे कहूं कि आप एक गिलास दूध पी सकते हैं तो ये शेड्यूल्ड है, लेकिन अगर मैं कहूं आप आधे गिलास दूध पी लीजिए, एक दो चम्मच पी लीजिए, तो वो नॉन शेड्यूल है, आप उससे कम यूज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा उसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर किसी भी ड्रग का डोज डिसाइडेड है और उसका फार्मूला डिसाइडेड है तो वो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, और उस फार्मूले से नीचे या उस फार्मूले से कम करके अगर हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं वो हमारा नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो ये इफ डोजेस फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ एंड शेड्यूल फॉर्मुलेशन आर चेंज, अगर हमें कोई भी चेंज करना है, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एमोक्सिसिलिन कैप्सूल 250 mg जो है वो शेड्यूल में आता है, लेकिन अगर इसी को हम कम कर दें 125 कर दें तो ये हमारे किस में आएगा, ये नॉन शेड्यूल में आएगा। समझना कि नॉट शेड्यूल क्या होता है कि फॉर्मुलेशन कंटेनिंग द मॉलिक्यूल द डोजेस एंड स्ट्रेंथ विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी किसी शेड्यूल में अगर नहीं है। NLEM क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, अगर इस लिस्ट में कोई भी ड्रग नहीं है, इसके अलावा कोई ड्रग है तो हमारी क्या होती है, नॉन शेड्यूल, ठीक है भाई। एक NLEM होता है ना, NLEM मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो सरकार लिस्ट जारी करती है, उसके अलावा अगर कोई मेडिसिन आती है तो वो नॉन शेड्यूल है, यानी इसका डोज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके बना सकते हैं और इसका डोज इसका रेट भी आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई फिक्स डोज नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो NLEM होता है। जैसे एसिलोफेनेक, नॉरफ्लॉक्सासिन, रेबिप्राजोल, इनका डोज जो है वो NLEM के बाहर आता है, यानी इसके लिस्ट में नहीं है। अगर आप कोई न्यू ड्रग फार्मुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको NLEM से मेडिसिन से क्या होगा, आपको उसका अप्रूवल लेना होता है, इसके बाद आप काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो NLEM को बेसिक एग्जांपल देखा जाए, जैसे पैरासिटामोल 500 टैबलेट शेड्यूल में आती है और एसिक्लोफेनेक 100 mg को वो नॉन शेड्यूल में है। तो एसिक्लोफेनेक टैबलेट को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो नया ड्रग बन गया, मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल देखिए, नया ड्रग कैसे बनाते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ड्रग आता है ना, जैसे मार्केट में पैरासिटामोल 500 mg शेड्यूल्ड है, आप इससे ऊपर नहीं बना सकते, और एसिक्लोफेनेक 100 mg हो तो वो नॉन शेड्यूल है। तो आप शेड्यूल और नॉन शेड्यूल को मिलाकर एक नया फॉर्मुलेशन बना सकते हैं जिसको बोलते हैं न्यू ड्रग, जैसे कि पैरासिटामोल और एसिक्लोफेनेक का जो मिक्सचर है इसको हम न्यू ड्रग बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करें फ्रेम, तो जो NLEM ये सब अगला एग्जांपल है, पैरासिटामोल 500 mg शेड्यूल है, 325 mg जो है न्यू ड्रग है क्योंकि हमने इसका शेड्यूल कम कर दिया, तो सब सिंपल से एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। ऐसे जो नॉट न्यू ड्रग है ये भी कोई खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए प्राइसिंग के लिए पूरा मेथड होता है, इसके लिए पूरा फॉर्मूला होता है, जो सीलिंग प्राइस होता है वो किसी भी शेड्यूल फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ एंड डोजेस एज स्पेसिफाइड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप है कि आप पूरे रिटेलर से उसका एवरेज प्राइस निकालिए, ठीक है, इसको हम PS बोल रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं भाई, सभी रिटेलर से हमने उसको प्राइस लिया, भाई तुम्हारी दुकान कितने का है, तुम्हारी दुकान कितने का है, 100 से ले लिया और सबका एवरेज 100 से डिवाइड करके उसका एवरेज प्राइस निकाल लिया,
ठीक है। फिर दूसरे स्टेप क्या करते हैं, उसका सेलिंग प्राइस हम डिसाइड करते हैं, फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं पीसी इक्वल टू पीएस 1+M/100, ठीक है, जहाँ पे पीएस क्या है एवरेज प्राइस है, पीसी क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला। एम क्या है मार्जिन कितना होना चाहिए रिटेलर का, वो भी वो हमारा मैक्सिमम 16% तक हम इसको ले सकते हैं, ये हमारा मार्जिन। ये फॉर्मूले से हम यूज़ करके डीपीसीओ के थ्रू किसी का भी ड्रग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी अगर हम मैक्स एमआरपी क्या होता है, एमआरपी का फॉर्मूला क्या है इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने देखा जाए तो आप डी फार्मा के जाइएगा डीएसबीएम में, उसमें मैंने एमआरपी पर एक पूरा अलग से लेक्चर बनाया है कि एमआरपी कैसे डिसाइड करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पर जाकर इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमआरपी का फॉर्मूला यही होता है, आरपी इक्वल टू रिटेल प्राइस इक्वल टू एमसी मटेरियल कॉस्ट, सीसी कन्वेइंग कॉस्ट, प्लस पीएम पैकेजिंग मटेरियल, प्लस पीसी पैकेजिंग कॉस्ट इनटू 1+ एमएपीई अपॉन 1000। एमएपी क्या है मैक्सिमम अलाउड पोस्ट एक्सपेंसेस, यानी प्रोडक्शन के बाद जो खर्चे आते हैं, ये सारा फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये रिटेल प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरे फॉर्मूले के अलग अलग डेटाज हैं, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा ड्रग एंड डीपीसीओ, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे या फिर इसको नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। जूरिस के अगले लेक्चर्स बहुत जल्दी आपके सामने फिर लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।